एंड के सेट। दोस्तों मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पे ले चल रहा हूँ जिससे कि गरीब अपने पेटों को कैसे भरते हैं। मैं आपको इस टेम्पू के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि ये अंकल जी अपने टेम्पू के अपने घर का भरण पोषण कैसे करते हैं। ठीक है अंकल जी के पास हम लोग चल रहे हैं, आप लोग देखिए। नमस्ते अंकल जी। अंकल जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको कोई सवारी नहीं मिली क्या अभी तक? सवारी नहीं मिली। क्यों? अभी बहुत कम मिल रही है सवारी। नहीं आवाज़ ऐसा क्यों? बहुत से गाड़ियाँ हैं इसलिए। अच्छा आप कहाँ से कहाँ तक आते हैं? पूर्वांचल से जौनपुर तक आते हैं। अंकल जी आपका वहाँ से यहाँ तक आने पर कितना रुपया होता है भाड़ा? पूर्वांचल का 15 जौनपुर। मिनिमम आप कितना दिन में कितना कमा लेते हैं? कोई भरोसा नहीं, तब भी कुछ होगा। 500 हो जाता है, 300 मिल जाता है। तब आपका परिवार कैसे चलता होगा? चलता है। देख रहे हैं आप लोग 300 रुपये में आपको इनका एक दिन का परिवार कैसे चलता है। दोस्तों आप अब इनसे हम आपसे बातचीत कराएंगे। अंकल जी आपके कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। क्या करते हैं अभी, बड़े हैं कि हमसे सीनियर हैं? क्या हैं? छोटे हैं। आपका मतलब कैसे चलता है सब? खेती करते हैं। खेती करते हैं और साथ साथ अपना टेम्पू भी चला के अपने घर का पालन पोषण करते हैं। ठीक है अंकल जी कहो। अंकल जी हमें जौनपुर जाना है, कितना भाड़ा लगेगा? 10 तो 5 रुपए में जाते हैं आप, 10 रुपए ले रहे हैं, इतना महंगाई बढ़ा दी है। भाई होता है भाई, वही 5 रुपए में सब लोग जाते हैं, आप 10 रुपए ले रहे हैं। इधर तुम्हारे पास ऊपर नहीं बैठू मैं, पैदल नहीं चला जाता। अभी आपको बस दो ही सवारी मिली? ऐसा क्यों? अभी तो आप जौनपुर से आ रहे हैं। अंकल जी अभी तक आपको मात्र दो ही सवारी मिली हैं, अब आप कैसे इतने दो सवारी में आप अपने कितना कमा लेंगे दो सवारी में ही? सामने है, है। अच्छा आप जौनपुर तक भाड़ा कितना लेंगे? 10 रुपए मात्र, 10 रुपए मतलब 10 रुपए भाड़ा, उतना भी नहीं देते हैं कोई? उतना भी नहीं देते हैं कोई भाड़ा आपको? ऐसा क्यों? आप फिक्स क्यों रेट लिया करिए ना सबसे। ये बात तो सही है। चलिए अंकल जी हमको यही मात्र जौनपुर तक ही जाना है, हम आपको अपनी तरफ से 500 रुपये दे रहे हैं आपको। अंकल जी हम अपनी तरफ से 500 रुपये दे रहे हैं, 500 रुपये दे रहे हैं अपनी तरफ से। आप हमको आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारा चैनल अच्छे से ग्रोथ करे, उसके बाद हमें अच्छे से लाइक और सब्सक्राइबर मिले ताकि हमारा चैनल अच्छे से बढ़े। ठीक है अंकल जी। दोस्तों आपका दोस्तों देखिए मैं अंकल जी से आपको बातचीत कराता हूँ, देख लीजिए अंकल जी। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि हमारी अगली वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।